तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो फ़ोन के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ क्या है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो गुड न्यूज़ है गाइस, इसका सभी वीवो यूज़र को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का बहुत ही टाइम से वेट था कि काश ये आ जाए, और ये शायद अभी बहुत जल्दी आपको वीवो के फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। तो क्या है वो गुड न्यूज़, आज की इस वीडियो को यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन शॉट कुछ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वीवो ने यहाँ पर पोस्ट की है, और बहुत ही ज़्यादा वेट था हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम आपको पढ़ के दिखा देता हूँ गाइस। तो ये लिखा गया है, अच्छी खबर फ्रंटेज ओएस 9, मतलब कि जिनको एंड्रॉयड 9 अपडेट मिल चुका है उसके उनके लिए, और संस्कार के हमारे साथ में जो फ़ोन छुपा आइकन रहता है, कि मतलब कि इन्होंने बोला है कि अब आप अपने वीवो के फ़ोन में, अदरवाइज सभी को नहीं कह रहा गाइस, में कुछ को मिलेगा, ये नहीं है कि सारे फ़ोनों को, जिन मतलब कि वीवो भी वगैरह हो। तो अभी फिक्स नहीं किया गया है कि गाइस क्या है, कब किस किस को मिलेगा, बट कुछ फ़ोनों को बताया गया, और जैसे ही फिक्स होगा कि हाँ इन में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यह देख सकते हैं कि आप यहाँ पे, आपको जो वीवो के फ़ोन में जो हाइड एप्लीकेशंस का रहता है ना, वो ऐप ऑप्शन आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आइकन को आप छुपा सकते हैं, और यूज़ करेंगे तो इसका बहुत जल्दी ये ऐड कर देंगे अपडेट के बाद। कृपया नए अपडेट पर ध्यान दें, मतलब कि शायद नेक्स्ट अपडेट में इस फीचर को ऐड कर देंगे, अदरवाइज सर जिनमें एंड्रॉयड 9 अपडेट आ चुका है उन फीचर में, और उनमें भी सभी में नहीं किया जा सकता, और सभी में हो सकता है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है कि कुछ में करेंगे, तो कुछ का मतलब तो ये है कि गाइज कुछ में मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं हाइड एप्लीकेशन आपको इनेबल मिल जाएगी, और यहाँ पर नीचे लिख गया है ट्यूटोरियल छिपाए एप्लीकेशन को सेटिंग्स फिंगरप्रिंट के चेहरे से, मतलब कि आप फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर सकते हो, और प्लस फेस लॉक से भी देख सकते हो पासवर्ड के साथ में, पासवर्ड इनक्रिप्शन के साथ में आपको हाइड एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा, और उससे आप अपने फिंगरप्रिंट से यूज़ कर सकते हो, हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वगैरह में आपको दिखाया गया है। और अब गाइज हम बात कर लेते हैं इसको कि किस टाइप के आपको सेटअप मिलेंगे। तो गाइज सेटअप कुछ इस तरीके के आपको मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आपको सेटअप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा व्यू फ्रॉम होम स्क्रीन्स, और रिक्वायर पासवर्ड, ऑटो हाइड, तो कुछ इस तरीके से आप कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से आप अपनी वीवो के फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकोगे। और फाइनली गाइज इस चीज़ का काफ़ी सारे यूजर्स को वेट था कि वीवो B11 Pro या फिर वीवो के अदरवाइज डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में हाइड जो रहती है एप्लीकेशन हाइड का, वो फीचर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे, मैंने एक वीडियो बनाई थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हाइड करने की, तो वो भी मेरी वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज आ गए थे। तो सभी को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अच्छा नहीं लगता, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर हाइड कर, तो उससे बेहतर है कि अगर आपको फ़ोन में ही अगर हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में हाइड एप्लीकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फ़ोन में। तो बहुत अच्छी बात है कि गाइज आपको सभी को शायद नेक्स्ट अपडेट में, जो जिनको एंड्रॉयड 9 मिल गया है उनको नेक्स्ट अपडेट में वीवो फ़ोन में हाइड एप्लीकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।